तो हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी जानते हैं पहले पहचान, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, या यी, आ, ए, ठीक है, या आज शब्द आते हैं, वे सब क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को क्या इसकी पहचान याद कर लेनी है, ता था, ती थी, ते थे, या ई, आ, या फिर ए, ठीक है। ये बात होगी पहचान की, ठीक है। अच्छा, पहचान के बाद आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, वो है हेल्पिंग वर्ब, वो आपको पता होना चाहिए, वो होती है डिड, ठीक है। जैसे कि सेम ही वही वाली बात है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा था, डू या डज, लेकिन यहाँ पर डिड यूज होगी, ठीक है। अब इसमें मेन वर्ब क्या होती, वी टू या फिर वी वन। अच्छा, ये इसको भी समझ लें, देखिए जब सेंटेंस कैसा हो, सिंपल कैसा हो, सिंपल का कहने का मतलब है नेगेटिव ना हो, ना ही इंटरोगेटिव हो, ठीक है। बात को बड़ा गौर से सुनना, ना ही नेगेटिव हो, ना ही इंटरोगेटिव हो, सिंपल होना चाहिए, तो आप वी टू का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, वी टू का यूज करेंगे आप। जैसे कि तुम स्कूल गए, तुम की क्या होती है, यू। अच्छा, जाना क्या होती है, गो। जाना क्या होती है, पहले मुझे बताओ, गो। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया, फॉर्म कौन सी यूज होगी, वी टू। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो यहाँ पे लगेगी वेंट, फिर टू, फिर स्कूल, ठीक है, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। अब क्या है, तुम स्कूल गए तो यू वेंट टू स्कूल। जैसे कि अगला मैं बताऊँ तुमको, हमने खाना खाया, ठीक है। तो हमने खाना खाया कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट, पीछे में क्या आ रहा है, या, तो हमने क्या होती है, वी, फिर खाने क्या होती है, ईट। अब सुनो, पहले सुनो, लेकिन यहाँ पे ईट का यूज नहीं करना, सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, फिर फूड, ठीक है। बात समझ में आई क्या, नहीं, ठीक। यानी कि मैं तुमसे क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर सेंटेंस सिंपल है तो आप वी टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, समझ में आई। आपको फर्स्ट फॉर्म याद होनी चाहिए, उसकी सेकंड फॉर्म भी याद होना चाहिए, थर्ड भी याद होना चाहिए, वी फोर, वी फाइव। वी फाइव तो याद करने जा सकता नहीं है, लेकिन आप वी फोर तो याद कर ही लें। यानी कि सबसे मेन बता दूँ, पूरे 12 टेंसों में एक अकेला टेंस यही है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें वी टू का प्रयोग होता है केवल, यानी कि वी टू मतलब पास्ट इंडेफिनिट, समझ में आई। अगर वी टू का जिक्र हो रहा है, समझ जाइए उसका यूज किसका यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि 12 टेंसों में केवल एक ऐसा ही टेंस यही है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट में वी टू का प्रयोग होता है, और किसी टेंस में वी टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस बात को अभी नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब क्या किया है कि एग्जांपल लिए हैं, ताकि हम आपको सिखा सकें पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहले लिया है हमने, उसने गाली दी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या होगी, ही, ठीक है। अच्छा, गाली देने क्या होती है, एब्यूज, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म हमें चाहिए, तो एब्यूज्ड, ठीक है, क्या होगा, एब्यूज्ड, ठीक है। अब देखिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो मैंने की यहाँ पर आएगी आई, ठीक है। पढ़ाने की होती है टीच, लेकिन हमें चाहिए क्या, सेकंड फॉर्म, तो क्या होती है, टॉट, टी ए यू जी एस टी, और तुम्हें क्या होगी यहाँ पर, यू लगाइए फुल स्टॉप, ठीक है। उसने ताजमहल देखा, तो उसने क्या होती है यहाँ पर, ही। अच्छा, देखने की होती है सी, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म, तो क्या होती है वो, सो, एस ए डब्लू, द ताज, या फिर महल भी कर सकते हैं, ताज महल मैंने लिखा, ताज तक सही है, ठीक है। अब हमने उसको पीटा, तो हमने क्या होती है, वी। अब पीटने की होती है बीट, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है, बीट, 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 बीटन, ठीक है। उसको क्या होती है, हिम, ऑब्जेक्ट है ना उसको, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है बीट, और थर्ड फॉर्म होती है बीटन, समझ भाई, बीट, बीट, बीटन। सीता ने झूठ बोला, तो सीता क्या होगी, सीता, ठीक है। अच्छा, झूठ बोलना की टेल होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म चाहिए क्या, टोल्ड, ठीक है। फिर ए लाई, गौरव ने सच बोला, तो गौरव की क्या होती है, गौरव की स्पेल बनाओ, गौरव, ठीक है। अरे, सच बोलना क्या होती है, जी होती है स्पीक द ट्रूथ, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, हमको क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म, तो क्या होगी, स्पोक, एस पी ओ के ई, ठीक है। स्पीक होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, द ट्रूथ,
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए।